हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोक के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में चल रहा T20 सीरीज, जो कि अब अपने बराबरी पे आ गया। पहला मैच में जहां पे वेस्ट इंडीज जीता, तो दूसरे मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका ने बाजी मार ली। अब सीरीज जो कि एक एक पर टाई पर है, अब सीरीज के तीसरे एंड फाइनल मैच ही विनर डिसाइड होगा। तो इस समय यह मैच काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं T20 सीरीज के थर्ड एंड फाइनल T20 मुकाबले की। यह मैच 17 अक्टूबर को डम्बुला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय सर यह मैच शाम के 7 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच फिक्सिंग अपडेट चाहिए, तो हम स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते चलते हैं, वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 80% रहेगा, तो वहीं पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर डम्बुला स्टेडियम का पिच स्पिन बॉलर के लिए फेमस है। यह एक लो स्कोरिंग पिच है, यहाँ स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है और उन्हें विकेट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। स्पिनरों को यहाँ पे ज्यादा हेल्प भी है और बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर थोड़ा सा संभाल कर खेलना होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 44% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 22% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 182 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 152 है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं दो टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 7 मैच जीत के आए, तो वहीं पर श्रीलंका 3 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम वेस्ट इंडीज़ का शॉट एनालिसिस करेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने पहले मैच में इजीली रन चेस कर लिया था, लेकिन दूसरे मैच में टीम की बैटिंग कोलैप्स कर गई। टीम 163 पे ही चेस करते हुए 89 पे ही ऑल आउट हो गए, जहां पे रोवन पॉल जो कि टीम के कप्तान बने हुए हैं। ओपनिंग में हमको ब्रैंडन किंग और एमएल नेवेस की जोड़ी देखने को मिल रही है। नंबर 3 पर जो कि साई अप की जगह एंड्रे फ्लेचर को चांस मिला था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। मिडिल ऑर्डर में रोस्टन चेसन, रोवन पॉवेल खेल रहे हैं। फिनिशिंग में आपको सरफेन रदरफोर्ड और मारियो सैफेट जो कि मैच को फिनिश करेंगे। बॉलिंग अटैक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, टीम 4 पेसर 2 स्पिनर खिला रहे हैं। जहां पेस बॉलिंग आपको अल्जारी जोसेफ, समर जोसेफ, समर स्पिंग और रोमारियो सैफेट जो टीम को लीड करेंगे। रोमारियो ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए, वहीं पे स्पिन बॉलिंग में गुदाकेश मोटी एंड रोस्टन चेस जो कि विकेट नहीं निकाल पा रहे। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग है, एवन लुइस एंडे फ्लेचर है, रोस्टन चेस है, रोवन पॉवेल है, रोमारियो सैफेट है, सरफेन रदरफोर्ड है, समर स्प्रिंगर है, अल्जारी जोसेफ है, गुदाकेश मोटी है, समर जोसेफ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि रोमारियो सैफेट है, रोवन पॉवेल है, ब्रैंडन किंग है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी श्रीलंका का शॉट एनालिसिस करेंगे। पिछले मैच में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया, जिसका टीम को फायदा हुआ। यहाँ पे चमिंदू विक्रम सिंह और असिता फर्नांडो को जगह नुआन तुसार और दुनित वेलगो को चांस मिला था। दुनित ने जहाँ पे डेबिट मैच में 9 रन देकर 3 विकेट निकाले, वहीं ओपनिंग में प्रथम निशांका और कुशल मैन जो कि अच्छा स्टार्ट दिए थे। निशांका ने सबसे ज़्यादा 54 रन बनाए थे। नंबर 3 में जो कि कुशल पलेरा खेल रहे हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में कमिंदू मैंडिस, कप्तान चहित श्रीलंका और भनुका राजा पक्षा जो टीम को स्टेबल करते हैं। फास्ट बॉलर में जहाँ पे मथीसा पथिराना और नुआन प्रदीप जो कि पार प्ले में बॉलिंग करेंगे। पथिराना ने अब तक 3 विकेट लिए, वहीं पे स्पिन अटैक में महेश थिसना और वनिधु श्रीलंका जो कि दोनों ने लास्ट गेम में 2-2 विकेट लिए थे। कप्तान श्रीलंका भी स्पिन बॉलिंग विकेट निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि प्रथम निशांका है, कुशल मेंडिस है, कुशल परेरा है, कमिदू मेंडिस है, चहित श्रीलंका, भनुका राजा पक्षे, नुआन प्रदीप है, वनिधु श्रीलंका, महेश थिसना, महेश पथिराना, दुनित वेलगे। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि कुशल मेंडिस है, प्रथम निशांका है, कमिंडू मेंडिस है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलता है प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, लेकिन प्लेयर कंडीशन को अच्छी तरह से नहीं भाप पा रहे। वहीं श्रीलंका के बॉलर इस कंडीशन में इफेक्टिव होंगे। श्रीलंका अगर 150 से ज़्यादा रन बना लेती है, तो उसके बॉलर मैच को निकाल सकते हैं। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, टीम स्क्वाड को देखते हुए, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ तो आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पे होम कंडीशन का फायदा श्रीलंका उठा सकती है। तो यहाँ पे मैच विनर भी श्रीलंका होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।